नमस्कार मेरे दोस्तों, जय माँ शारदे। आज मैं एक बहुत छोटा सा आपको नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्रि के दिन यानी अष्टमी और नवमी वाले दिन आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर धन लाभ नहीं हो रहा है तो उस धन लाभ होने के लिए आपको क्या टोटका करना है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। बहुत ही वो आपको धन लाभ के लिए है कि जिसको धन लाभ नहीं हो रहा है तो आप उसको कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है। नवरात्र में अष्टमी और नवमी वाले दिन आप दोनों दिन बहुत शुभ दिन है। वैसे तो नौ दिन माताओं के शुभ माने जाते हैं, लेकिन अगर आप नवमी और अष्टमी में ये करेंगे तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सुबह नहा धो करके लक्ष्मी जी का पाठ करके माता रानी का पाठ और पूजा करके सूर्य उदय को जल देने के बाद आपको करना कुछ नहीं है। आपको एक साफ स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है। एक साफ स्थान रहेगा मंदिर से अलग हट करके, उत्तर दिशा में आप मुंह करके बैठ जाएंगे और उसके सामने आप चावलों की ढेरी बना लेंगे। अब आपको लाल चावल की ढेरी बनानी है तो लाल चावल में क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंदूर लेंगे और सवा किलो चावल ले लेंगे या फिर ढाई किलो जितना आपका रहेगा, लेकिन सवा किलो चावल आपको लेना है और उसमें लाल सिंदूर डाल करके उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चावल लाल कलर का हो जाए। हल्का सा पानी का छिड़काव कर लेंगे ताकि चावल में लाल कलर आ जाए। तो सिंदूर से उसकी चावल की एक ढेरी बना लेंगे, ऐसे करके ढेरी बनती है। तो आप सवा किलो चावल लेके चावल की ढेरी बना लेंगे और उस पे श्री यंत्र रखेंगे। श्री यंत्र तांबे का भी आता है, चांदी का भी आता है। अगर चांदी का होगा तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आप चांदी का नहीं हो पा रहा है स्वेच्छा के अनुसार तो आप पीतल और तांबे का भी यूज कर सकते हैं, उनको भी आप रख सकते हैं। देवी माता सब तरीके से आपकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, उनको इससे मतलब नहीं होता है। बस मनुष्य के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। फिर आप श्री यंत्र रख लेंगे, उस ढेर के ऊपर लाल कलर का चावल कर लेंगे और उसके ढेर के ऊपर आप श्री यंत्र रख लेंगे और श्री यंत्र रखने के बाद सामने बैठ जाएंगे और नौ दीपक जलाएंगे, तेल का घी का दीपक जलाएंगे और ये आपको 6 से 9 के बीच में शाम को करना है। और नवरात्र में आप अष्टमी नवमी में तो आपको करना ही है, लेकिन अगर 9 दिन भी करते हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। दीपक जला करके आपको उपासना करनी है धन लाभ के लिए। देखिएगा कि आपका जो ये धन लाभ है कि आपको पैसा नहीं रुक रहा है, धन का लाभ नहीं हो रहा है, ऐसा करने से आपको धन में लाभ अवश्य मिलेगा और आपकी धन की पूर्ति होगी। आपके पास से पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी और धन नियंत्रण आपके पास बना रहेगा। जब आप ये नवरात्र में कर लेंगे, फिर ये सारे चावलों को जा करके, जो भी चावल आपके लाल कलर के चावल बचे हैं, इनको ले जा करके आप एक कपड़े में लपेट लेंगे। रेड कलर का टूल का कपड़ा आता है या पीला कलर का टूल का कपड़ा आता है, आप उन कपड़े में सवा किलो चावल को रख लेंगे, लाल कलर के चावल को, और कुछ चावल पक्षियों को खिला देंगे और कुछ बहती नदी में प्रवाहित कर देंगे। इसको करने से धन लाभ नहीं हो पा रहा है उसमें आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ये टोटका आप सच्चे मन से करते हैं तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा और ये आपको नवरात्र में ही करना है। अभी चैत्र मास के नवरात्र चल रहे हैं, अगर आप ये नवरात्र में करते हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आगे मैं फिर मिलूंगी आपको नए वीडियो के साथ में। आप ऐसे ही बने रहिएगा और नमस्कार।